कि मुग़ल बादशाहों के ज़माने में खाने ने इतनी तरक्की की, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ कलर, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ टेस्ट एंड दे द फूड बिकेम इट वेंट टू द हाइएस्ट ज़ेनिथ ऑफ इट्स टेस्ट. इसी तरह ड्रिंक्स में भी, शराब के अलावा ये शरबत जो थे उनकी भी एक अपनी बड़ी तादाद बनने लगी. जहांगीर के ज़माने में नूरजहाँ एक दिन बाग में टहल रहे थे, गुलाब के फूल लगे हुए थे और नूरजहाँ की माँ जो थी असमत आरा बेगम, वो उससे इत्र वगैरह बनाया करती थी. तो नूरजहाँ ने हकीम साहब को बुलाया और कहा, हकीम साहब आप इतनी दवाएं बनाते हैं, ये गुलाब के फूलों से आप शरबत क्यों नहीं बना देते? ताकि दवा के नाम पर बहुत लोग तो बीमारी के लिए पीते हैं, मगर ये एक ऐसी चीज़ बनाए जिसे हम गर्मी से नजात पाएँ और फरहत बख्श हो और पीने में हमें मज़ा भी आए. हकीमों ने कोशिश की और इस तरह हिंदुस्तान में गुलाब के शरबत का चलन शुरू हुआ. चूँकि नूरजहाँ जो थी वो ख़ुद बहुत क्रिएटिव थी और उन्होंने उनकी सरकर्दगी में बहुत अच्छे अच्छे शरबत बनने लगे. हमें ये भी याद है कि देखिए, फूलों से शरबत बनते थे, फलों से, फलों के रस से शरबत बनने लगे, जड़ों से शरबत बनने लगे, खसखस शरबत है. और हिंदुस्तान की गर्मी कभी बे इंतहा होती थी, तो ज़माने में लू चलती थी और बादशाहों ने इन ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए, अकबर बादशाह ने तो बर्फ़ पहाड़ों से मंगवानी शुरू की और पहाड़ों से बर्फ़ आती थी जिसमें ये शरबत, ये ड्रिंक्स जो थे ठंडे किए जाते थे. उसके बाद आम के ये बड़े शौकीन थे हमारे बादशाह, तो आम से पन्ना बनने लगा, कच्चे आम का पन्ना बना. और इसी तरह बेल एक चीज़ होती थी, फल होता था, बेल का शरबत. गर्मियाँ जैसे पारा ऊपर चढ़ा, तर हकीम साहब ने बेल का पटारा खोला और बेल का शरबत बनाने लगे. उसका रंग भी बड़ा खूबसूरत होता है. हकीमों में सबसे पहला हकीम जिसने शरबत बनाया उसका नाम था पिथागोरस. और हकीम पिथागोरस ने पहली मर्तबा मेडिकल ड्राउट को शरबत की शक्ल दी. यानी मेडिकल ड्राउट्स में तो जिसको हम कह सकते हैं काढ़ा है, उसमें मज़ा नहीं होता था, वो बीमारी का इलाज होता था और लोग पीते थे, मगर अब ये शरबत जो थे ये मज़ेदार होते थे. अगर मुग़ल बादशाहों से पहले का आचरण भी हम देखें तो एंशंट इंडिया में भी इन फलों का रस बनाया जाता था. दो दे वर नॉट कॉल्ड शरबत, दे वर कॉल्ड, दे हैड डिफरेंट संस्कृत नेम, दे वर कॉल्ड पानाका, दे विल कॉल रस्सा. आहिस्ता आहिस्ता शरबत की भी तजारत शुरू हो गई और हर तरह के शरबत बनने लग गए. 1906 में हमदर्द लेबोरेटरी के हकीम हाफिज़ मजीद ने रूह अफज़ा शरबत बनाया. वही रूह अफज़ा जो आज भी ज़िंदा है और आज भी हम उसे गर्मी को दूर करने के लिए पीते हैं.